हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एफडीए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूएसए: यूएसएफडीए, सीडीएससीओ, टीजीए, एमएचआरए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूएसए, तो इनमें से कौन सी है यूएसए की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज? तो ये है यूएसएफडीए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूएसएफडीए इज द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूएसए। देन सीडीएससीओ होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इज सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये टीजीए होता है थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है टीजीए, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एमएचआरए है यूके की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। एमएचआरए होती है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ आईसीएच: इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, इंडियन कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑन हार्मोनाइजेशन। तो क्या होता है आईसीएच का फुल फॉर्म? तो ICH होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ICH इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDA? NDA का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ड्रग एसोसिएशन, नो ड्रग एब्यूज, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, नॉन ड्रग एप्लीकेशन। व्हाट इज NDA? तो NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज NDA। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक अफेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ, तो ड्रग डेवलपमेंट टीम कनेक्ट्स विथ ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स, देन क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक अफेयर्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ IND: इंडियन न्यू ड्रग, इंटरनेशनल न्यू डोज, इंडियन नॉन ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो क्या होता है IND का फुल फॉर्म? तो IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग इज IND। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग IND एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेसफुल पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। The investigational new drug application is the result of, तो ये होता है successful preclinical development program। Option A will be your correct answer। The investigational new drug application is the result of successful preclinical development program। Next question। Name of regulatory authorities of UK: United Kingdom की regulatory authorities TGA, HSA, MHRA, USFDA। तो इनमें से कौन सी है regulatory authorities of UK? तो यूके की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है MHRA। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये TGA होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। USFDA है यूनाइटेड स्टेट की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देन HSA होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी, ये होती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An IND would be required to conduct a clinical trial if the drug is a new chemical entity in a new dosage form being administered at a new dosage level, all of the above। IND होता है investigational new drug। An IND would be required to conduct a clinical trial if the drug is, तो IND required होता है to conduct a clinical trial if the drug is new chemical entity in a new dosage form and being administered at a new dosage level। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी क्वालिटी, ADME, एडवर्स रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स। इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी, तो क्या स्टडी करते हैं इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट? तो इन नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट वी स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ADME की स्टडी करते हैं इन नॉन टेक्निकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। NDA कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस: 15, 14, 17, 13।
एनडीए कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज डैश सेक्शंस। तो कितने सेक्शंस होते हैं एनडीए में? तो एनडीए कैन कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज 15 सेक्शंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 15 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए टेक्स 12 टू 15 ईयर्स, 15 टू 20 ईयर्स, 10 टू 12 ईयर्स, 3 टू 5 ईयर्स। न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स, तो एनडीए टेक्स 12 टू 15 ईयर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है WIPO का फुल फॉर्म? तो WIPO होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है WIPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स एडिशनल इंडिकेशंस, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग, प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स, तो क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग फेज में? तो पोस्ट मार्केटिंग फेज कंटेंट्स एडिशनल इंडिकेशंस, देन एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड प्रोडक्ट डिफेक्ट्स रिपोर्टिंग ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDER इज सेंट्रल ड्रग इवैल्यूएशन रिसर्च सेंटर, सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग इकोनॉमी एंड रिसर्च, सेंट्रल ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो क्या होता है CDER? तो CDER होता है सेंटर ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च होता है CDER। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज पोस्ट क्लिनिकल डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल रिसर्च। नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज, तो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज क्लिनिकल रिसर्च। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लिनिकल रिसर्च होता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA इज एप्लीकेबल फॉर न्यू ड्रग, जेनरिक ड्रग, सिंथेसाइज ड्रग, हर्बल ड्रग। ANDA इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये ANDA होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर जेनरिक ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ANDA टेक्स 0 टू 1 ईयर, 1 टू 2 ईयर्स, 4 टू 5 ईयर्स, 5 टू 10 ईयर्स। एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन टेक्स, ANDA का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड इट टेक्स 1 टू 2 ईयर्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1 टू 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड NDA बिफोर US कमर्शियलाइजेशन सिंस 1938, सिंस 1945, सिंस 1935, सिंस 1940। एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड न्यू ड्रग एप्लीकेशन बिफोर US कमर्शियलाइजेशन। तो ये होता है सिंस 1938। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एवरी न्यू ड्रग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन अप्रूव्ड NDA बिफोर US कमर्शियलाइजेशन सिंस 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स नीड्स डैश हेल्दी वॉलंटियर्स मोर देन 1000, 100 टू 1000, फ्यूअर देन 100, 10 टू 30। फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स नीड्स डैश हेल्दी वॉलंटियर्स, तो कितने हेल्दी वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन फेज टू ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फ्यूअर देन 100 हेल्दी वॉलंटियर्स की। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फ्यूअर देन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, TGA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है TGA, थेरापिटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगापुर की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी HSA एंड जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है PMDA, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CTD इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल टेक्निकल डोसियर, कॉमन टेक्निकल डोसियर। क्या होता है CTD? तो CTD होता है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ANDA इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड न्यू डोज एप्लीकेशन, एब्रीवेटेड नोवेल ड्रग एप्लीकेशन, नन ऑफ दी अबव। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ ANDA?
तो ANDA होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज ANDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल्स आर मार्केटिंग फेज, स्टडी ऑफ ADME, टेस्टिंग इन एनिमल्स, टेस्टिंग इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं टेस्टिंग इन ह्यूमंस, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्लिनिकल ट्रायल्स आर टेस्टिंग इन ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल रजिस्टर एक्ट वॉज एमेंडेड इन डैश टू प्रोवाइड अ कोडिफिकेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एवरी 5 years नोन एज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, 1936, 1937, 1939, 1938। तो कब एमेंडेड किया गया था फेडरल रजिस्टर एक्ट टू प्रोवाइड अ कोडिफिकेशन ऑफ ऑल रेगुलेशंस एवरी 5 years नोन एज कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। तो फेडरल रजिस्टर एक्ट वॉज एमेंडेड इन 1937, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द डैश, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, पब्लिक हॉस्पिटल सर्विस एक्ट, सिविल फेडरल रेगुलेशंस, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लॉ एप्लीकेशन, बायोलॉजिक लाइसेंस एब्रीविएशन, बायोलॉजिक लॉ एब्रीविएशन। तो क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ BLA? तो BLA होता है बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, BLA इज बायोलॉजिक लाइसेंस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द मीन्स थ्रू विच द स्पॉन्सर टेक्निकली ऑब्टेन्स द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द FDA, ANDA, AIND, INDA, IND. The dash is the means through which the sponsor technically obtains the exemptions from FDA. तो sponsor technically obtains the exemptions from FDA through IND, Investigational New Drug Application. Next question, full form of CFR is Code of Federal Rules, Civil Federal Regulations, Code of Federal Regulations, Civil Federal Rules. क्या होता है CFR? तो CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस होता है CFR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1950, 1955, 1960, 1949। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आया था 1955 में, देन सेकंड एडिशन आया था 1966 में, देन थर्ड आया था 85 में, देन फोर्थ आया था 1996 में, देन आया था 2007 में, नेक्स्ट आया था 2010 में, देन आया था 2014 में, उसके बाद आया था 2018 में, एंड अभी लेटेस्ट एडिशन है वो आया था 2022 में, 2022 में आया था लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो था 9th एडिशन, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सप्लीमेंट टू फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960। सप्लीमेंट टू फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960 एंड डॉक्टर BN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर BN घोष, ठीक है। एंड ये पब्लिश हुआ था इन लैटिन लैंग्वेज, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनोग्राफ्स आर देयर इन इंडियन फार्माकोपिया? तो टोटल कितने मोनोग्राफ्स है इंडियन फार्माकोपिया में? तो इंडियन फार्माकोपिया में 3,152 मोनोग्राफ्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 3,152 मोनोग्राफ्स आर देयर इन इंडियन फार्माकोपिया। एंड जो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन था जो पब्लिश हुआ था 1955 में, उसमें थे 986 मोनोग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश्ड? 1950, 1954, 1948, 1951। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश्ड? तो फर्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1951, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट USP पब्लिश्ड? 1845, 1830, 1824, 1820। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया,
तो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1820, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1820 में पब्लिश हुआ था फर्स्ट यूएसपी, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एंड इन विच लैंग्वेज फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश्ड, तो फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड 1955, 1966, 1987, 1998। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955, देन सेकेंड वॉज पब्लिश्ड इन 1966। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1966। एंड ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है उसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ था 1975 में। सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1975। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड, 1864, 1880, 1865, 1860। तो कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ये पब्लिश हुआ था 1864 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955, देन फर्स्ट यूएसपी, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1820 एंड फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1864। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया, पीसीआई, डब्ल्यूएचओ, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन होता है पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया, तो ये हो जाएगा WHO। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज द पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड 1956, 1975, 1966, 1997। सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड सप्लीमेंट टू सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1975। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड इसकी सप्लीमेंट पब्लिश हुई थी 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसॉल्यूशन टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। द डिसॉल्यूशन टेस्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच एडिशन ऑफ आईपी, तो डिसॉल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, देन पायरोजन टेस्ट, दिस ऑल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन थर्ड एडिशन ऑफ आईपी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टर्म फार्माकोपिया यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1580, 1880, 1820, 1590। फार्माकोपिया टर्म को फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था, तो इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1580 में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द टर्म फार्माकोपिया यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन 1950, 1948, 1944, 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन फार्माकोपिया कमिटी इन, तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960, 1948, 1955, 1975। सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1960। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सप्लीमेंट टू फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1960। देन सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1966 एंड सप्लीमेंट टू सेकेंड आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर बी एन घोष, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर बैनर्जी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, डॉक्टर बी एन घोष थे चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डॉक्टर बी एन घोष वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट आईपी।
देन अभी आप मुझे बताएंगे हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो ये थे डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। देन थर्ड एंड फोर्थ एडिशन के चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन, द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश एंड लैटिन। तो कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी फर्स्ट USP? तो फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एंड लैटिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये फर्स्ट USP पब्लिश हुई थी इन 1820। फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1865, 1888, 1890, 1870। द फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी वॉज पब्लिश्ड इन, तो फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1888। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी वॉज पब्लिश्ड इन 1888 बाई US। ठीक है, एंड अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड। तो फर्स्ट NFI फर्स्ट नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2016, 2018, 2022, 2020। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 2022। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2022 में पब्लिश हुआ था लेटेस्ट एडिशन ऑफ IP एंड ये है 9th एडिशन ऑफ IP। इसके पहले का था 8th एडिशन ऑफ IP एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960, 2011, 1950, 1965। द फर्स्ट एडिशन ऑफ NFI नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन 1960। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। NFI का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था इन 1960। देन सेकेंड एडिशन ऑफ NFI वॉज पब्लिश्ड इन 1966। देन इसका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1979 में। देन फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 2011 में। देन फिफ्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 2016 एंड अभी लेटेस्ट एडिशन सिक्स्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सेवेंथ। द टाइटल ऑफ विच एडिशन ऑफ IP इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, तो टाइटल ऑफ फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड इसकी सप्लीमेंट पब्लिश हुई थी 1960 में। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1955 एंड सप्लीमेंट टू फर्स्ट IP वॉज पब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, एंड लेटेस्ट IP वॉज पब्लिश्ड इन 2022। यह है 9th एडिशन ऑफ IP। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।